प्राइवेट लैब की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। प्राइवेट लैब से सबसे ज्यादा आ रहे पॉजिटिव केस, दरअसल प्राइवेट लैब की रिपोर्ट को टेस्ट कराया जाएगा, आईसीएमआर से कराया जाएगा टेस्ट, क्योंकि ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। जबलपुर से खबर है जहां स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, प्राइवेट लैब की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट नहीं होगी मान्य। प्राइवेट लैब से सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, प्राइवेट लैब की रिपोर्ट को अब टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल आईसीएमआर से ये टेस्ट होगा और उसके बाद ही आगे कुछ वैधता मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी निजी लैब की रिपोर्ट को वैध नहीं माना जाएगा। बिलासपुर से खबर है जहां झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हो गई। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा रहा था युवक और उसकी मौत हो गई। दरअसल तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे भर्ती कराना पड़ा और इलाज के दौरान जान चली गई। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने का कारण माना जाए या फिर कुछ और वजह है, हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नीम हकीम से इलाज कराया जा रहा था काफ़ी दिन से, उसके बाद इसकी तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हुई, तब जाकर परिजन इसे बिलासपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और बिलासपुर में महिला से गैंगरेप के मामले में